आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वो अपना हेयर मास्क जो मैं अक्सर लगाती हूँ जब मुझे फील होता है कि मेरे बाल काफ़ी रफ और ड्राई होने लगे हैं, तो उसकी शाइन और उसकी सिल्की बनाने के लिए कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइनली अपना हेयर मास्क जो मैं अक्सर लगाती हूँ जब मेरे बालों को डाई लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो केमिकल लगता है बालों में तो जाहिर है कि वो डैमेज तो होती हैं। बाल मजबूरी हमारी, उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। बाल जब रफ़ और ड्राई हो जाते हैं तो जाहिर है कि उसको रिकवर करने के लिए जो डैमेज होता है उसको, तो फिर उसको उसके लिए मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला मास्क लगाती हूँ। सबको पता है मैं नेचुरल चीज़ों पर ही बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी बाज़ार में हेयर प्रोडक्ट आते हैं उनका जो बेस्ट होता है वो नेचुरल ही होता है, बट मार्केट से यहाँ शेल्फ तक आते आते बहुत सारे प्रोसेस करते हैं तो उसमें पता नहीं कितने केमिकल और सालों साल रहे इसलिए केमिकल मिलाए जाते हैं। और लेकिन जो कुदरती जो चीज़ें हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो जब हम अपने बालों के साथ हम जुल्म करते हैं ना, बहुत ज़्यादा डाई लगाते हैं, फ्रिक्वेंटली लगाते हैं, जल्दी जल्दी लगाते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी देखिएगा वो वीडियो डाई वाली जिसमें मेरे कलर किया, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं कि कैसे उससे बचा जाए, ज़्यादा ना लगाया जाए। जब हम डाई लगाते हैं और जो स्टाइलिंग टूल्स होते हैं इतना हीट पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इतनी जल्दी जल्दी रोज़ अपने बालों को जो है स्ट्रेट कर रहे होते हैं, बहुत बुरा है ये बालों के लिए। बाल जो है बहुत ख़राब हो जाएंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा जुल्म होता है वो तो मुझे रहम आता है उन बालों पर जो ब्लीच लगता है। ब्लीच बालों को डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है, इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो शाइनिंग होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बाल बिल्कुल डेड हो जाते हैं, उनका प्रोटीन ख़त्म हो जाता है। मास्क मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको यूज़ करें, काफ़ी हद तक आपके बालों को बेहतर चेंज आएगा। तो मैं इस मास्क को वन से मंथ जरूर लगाती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो वन से वीक भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मास्क कैसे लगे। ये मास्क बनाने के लिए हमें एक केले की ज़रूरत होगी बनाना, जो कि ऐसे थोड़ा सा राइप हो, थोड़ा सा पका हो, जिसमें ये ब्राउन कलर के निशान आ जाते हैं। और दही मैंने ली है 4 टेबल स्पून और एक अंडा लिया है। और इसके अलावा मैंने थोड़ा ये एलोवेरा जेल लिया है जो कि 4 स्पून लिया है। और उसके अलावा ये मैंने ओलिव ऑयल लिया है, ये मैंने 4 स्पून लिया है। अगर आपके बाल ज़्यादा ड्राई हैं तो आप 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। और अंडा जो होता है सुपर फूड होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए होते हैं और जो कि हमारे बालों के को बहुत अच्छा अच्छे से होल्ड करते हैं। अच्छा, अंडे की मैं सिर्फ जर्दी ही मैं ले रही हूँ, एक योगी ही हम यूज़ करेंगे, वाइट नहीं यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो दही मैंने ली है 4 टेबल स्पून, दही भी जो है लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे बालों के मॉइस्चर को ब्लॉक कर लेता है, जो हमारे बालों के शेप्स होते हैं उनको, और रफ़ जो बाल हो जाते हैं ना उनको ख़त्म करता है। और इसमें मैं बहुत सारा फैट होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम होता है, विटामिन ई, विटामिन सी होता है, और ये हमारे बालों की इलास्टिसिटी को बरकरार रखते हैं, जो कि हमारे बालों को टूटने से बचाते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है, थिक रखता है बालों को। तो इस तरह से एक बनाना ऐड कर लिया है इसके अंदर। अब ब्लेंडर में मैं इसको चलाऊंगी और ब्लेंड करूंगी, और बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आप ज़्यादा आप करेंगे बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो इसे थोड़ा थिक रख। बाल जो है आपके बहुत ज़्यादा मेले ना हो, कम से कम आपने 2 दिन पहले आपने इनको धोया हो, साफ़ सुथरे बाल हो, बाल उनको सुलझा लीजिएगा दोनों तरफ से। इस तरह से बाल आपके सुलझे हुए होते हैं। और फिर हम छोटे छोटे से सेक्शन लेंगे बालों के और बहुत अच्छी तरह से बालों पर लगाएंगे इस तरह से। अच्छा, इस तरह से लगाते समय बालों को उलझाना बिल्कुल नहीं है, ऊपर से नीचे तक इस तरह से लेकर जाना है बालों में और लगाते जाना है, और बहुत ही इसको इस तरह से लगाना है कि रूट से एंड तक जो है अच्छी तरह से बालों में लग जाए। मैस होगा लेकिन उसकी फिक्र बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह के मास्क जो हैं बहुत ज़्यादा मैसी होते हैं, लेकिन आपको मास्क का जो रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा, बालों में बहुत शाइनिंग आ जाती है, बालों में फॉल आ जाता है, आप जब अब टच करेंगे बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं आपको उससे लगेगा हाँ उसकी बढ़ते हैं। तो ये मास्क जो है स्पेशली नेक्स्ट डे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उस वक्त आपको पता चलेगा कि बाल कितने सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। तो सारे बालों में इस तरह से एंड से लेकर रूट तक लगाना है आपको अच्छी तरह से। बेहतर होगा कि अगर आप जहाँ आप नहा पर नहाते हैं अपने शावर रूम में, वहां पर आप आराम से लगाइएगा। मुझे अब मैं इस पर प्लास्टिक बैग पहनूंगी, अगर आपके पास में शावर कैप है तो आप उसे पहन सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है जब हम इसे ढक देते हैं तो हमारी जो सर की जो हीट होती है नेचुरल हीट वो इसे प्रोसेस करती है,
जो भी हम मास्क लगाते हैं, और उससे बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व होता है हमारे बालों की स्कैल्प में। तो इस तरह से लगा लिया है, अब इसे हम 2 घंटे छोड़ देंगे और 2 घंटे बाद मैं आपसे मिलूँगी, जब आप मैं इसे धो लूँगी, शैम्पू करूँगी और कंडीशनर लगाऊँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है, कितने सॉफ्ट और शाइन हो जाती है बालों को और ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी शावर के बाद। आप देख भी सकते हैं बालों में एक ग्लोसी सी शाइनिंग आ जाती है, ये देखिए आप फील करेंगे कि बालों को तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत सिल्की सिल्की से बाल लगते हैं। तो ये जो मास्क है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आपके बाल डल हैं तो आप उसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड ऑयल ज़रूर ऐड कीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।